कुछ हुआ एक दिन प्यार तो दूसरे दिन हुआ तीसरे हम आए महाराष्ट्र पुणे से कहाँ जा रहे हैं हम लोग तो जा रहे हैं लद्दाख 90 किलोमीटर कवर मतलब इतने दूर है अभी भी है ना आपने लगाया है ना स्टैंड बैंड को हाँ वो सब कुछ अपने लगाया सूरत अभी भी 51 किलोमीटर फ्रॉम हियर सामने देखो क्या मस्त नज़र आ रहा है सामने एक ब्रिज आ रहा है वहाँ से आई गेस नज़र अच्छा होगा ऐसा क्यों चला रहा है ये सुबह की शुरुआत हुई थी एक नेशनल फ्लैग के साथ और अभी भी आज का दिन ख़त्म हो गया है नेशनल फ्लैग के साथ जय हिंद अभी बजे हैं कुछ 7 बज के भाई साहब जी हाँ 7 और अभी हम लोग सूरत में ही रुकने वाले हैं फिलहाल सूरत यहाँ से और कम से कम 22 से 25 किलोमीटर है अभी भी तो एक हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं जेतला नाजपा टी स्टॉल तो पढ़ने आएगा लेकिन ये स्टार्टिंग का नहीं पढ़ने आया क्या है बता देना यार कमेंट में बता देना क्या लिखा है गर्मा गर्म नाश्तो भोज से भाई नहीं समझ में आ रहा मुझे ना द नेक्स्ट डे लेटर सो हेलो एवरीवन गुड मॉर्निंग वंस अगेन और अभी टाइम हुआ है 7:37 सो लगेज पूरा टाई कर दिया है अभी बाइक पे इट्स ऑल सेट रेडी टू गो वहाँ इधर पहुँचते हैं फिर यहाँ से निकलते हैं ऑलरेडी 7:45 सो हेलो वंस अगेन थोड़ा सा सनी है आज और मौसम भी थोड़ा ठीक ही है मतलब पूरा क्लाउडी है आई विश कि ऐसे ही हो तो चलो आज की राइड की शुरुआत करते हैं भगवान का नाम लेके गणपति बप्पा मोरिया मंगल मूर्ति मोरिया अगर कम धूप होगी तो हम लोग ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर सकते हैं बिकॉज धूप इतनी होती है फिर हम लोग डिस्टेंस कवर नहीं कर पाते बिकॉज इतना सनी हो जाता है ना और पूरा लिटरली यू नो इट्स फील्स लाइक आप लोग तपती भट्टी में चल रहे हो ऐसा फील होता है तो आज तो राजस्थान क्रॉस करना है तो राजस्थान का माहौल क्या और कैसा रहेगा मुझे पता नहीं है सो बस ऐसे ही मौसम रहे कैन सी दैट क्लाउडी बारिश ना हो जाए यार बारिश हो जाएगी तो भी फिर व्लॉगिंग भी नहीं कर पाऊँगा बस अच्छा आज लेट इसलिए हो गया एक्चुअली हम लोग रात में सही से सो गए थे ठीक है लाइक अराउंड 1:30 समथिंग और हम लोग राइडर्स के साथ डिस्कस कर रहे थे दैट कि हमको आज क्या क्या करना है सो वो होने के बाद हम लोग सो गए थे अराउंड 1:45 और 2:00 समवेयर फिर उसके बाद में रात में एसी ऑन करके सो गए थे और एसी ने मतलब लाइक इतना रूम कूल हो गया ठंडा हो गया था कि लाइक हम लोग 4 बजे उठे और रिमोट ढूंढ रहे थे और उसका स्विच ढूंढ रहे थे तो भाई साहब उसका स्विच ही नहीं मिला था हम लोगों को इतनी ठंड लग रही थी फिर हम लोगों ने मेन स्विच ऑफ कर दिया और फैन भी नहीं था और ना ही एसी था सो बस इसी वजह से हम लोग लेट हो गए सुबह 4 बजे वापस हम लोग सोए थे वो लोग सुबह 5 बजे उठने वाले थे तो कोई उठे ही नहीं 6:30 बजे उठे फिर रेडी हुए फिर अभी एग्जैक्ट हम लोग 7:45 को राइड स्टार्ट किए बाकी लोगों को हम लोगों ने भेज दिया जो रेडी था हमने बोला हम लोग तुम लोग को कवर कर लेंगे
भाई काफ़ी लेट हो गया है आज, शायद से पूरा दिन राइड करने का मन है। मतलब रमेश बोल रहा था दैट हम लोग आज कुछ भी करके दिल्ली के आसपास पहुँचना ही है कुछ, बिकॉज हम लोग ऑलरेडी लेट है और कल भी लेट हुआ था उसकी वजह से। कल हम लोगों ने लगभग आई गेस 500-600 किलोमीटर्स कर लिए थे, आज उससे ज़्यादा करना है, तो उसी लिए थोड़ा स्ट्रेच करते हैं। इन लोग बहुत ज़्यादा आगे निकल गए, अभी जस्ट मैंने मैप में देखा सबका लाइव लोकेशन शेयर्ड है ग्रुप में, सो जस्ट उनको ट्रैक कर रहा था मैं, सो देयर अराउंड 8-10 किलोमीटर्स अहेड टू मी, तो मुझे थोड़ा सा उनको कवर करना पड़ेगा। तो फिलहाल देख रहे हो मौसम क्या हो रहा है, बीच में सूरज देवता आ रहे हैं और जा रहे हैं, आ रहे हैं और जा रहे हैं, थोड़ा क्लाउडी तो दिख रहा है ये साइड में, आगे भी है बट अभी फ़िलहाल 8 बजे ही इतनी धूप है, तो 12 बजे पता नहीं क्या होगा। धूप सीधे आँख में जा रही है, फिर भी मैंने ब्लैक वाइजर्स लगाया हुआ है, फिर भी आई होप आपको आवाज़ आ रहा है। आई नो विंड ब्लास्ट आएगा ही क्योंकि थोड़ा स्पीड में चल रहा हूँ इसलिए। ओके, क्रॉसिंग है शायद इसीलिए ट्रैफिक लगी हुई है, मुझे लगा कुछ हो गया क्या। और भाई यहाँ पे जो कार्स है ना, जो फोर व्हीलर है, उन लोग देखो ऐसे चला रहे हैं। भाई कितना भी हॉर्न बजाओ, कितना भी पासिंग लाइट दे दो, इन लोग तुमको साइड देने वाले नहीं है, सो इट्स बेटर मेक योर वे एंड गो, डोंट आस्क देम, उनको पूछो ही मत। राइड को स्टार्ट हुआ है, 45 मिनट्स हो चुके हैं और आई गेस अभी तक 680 अराउंड 50-60 किलोमीटर्स कवर कर चुका हूँ शायद से। या फिर उससे ज़्यादा। यहाँ पे वेदर देख रहे हो, यहाँ पर पूरा क्लाउडी हो चुका है, बस आगे ऐसा ना हो कि बारिश हो, क्योंकि मैंने मेरा रेन लाइनर लिया ही नहीं है। हाँ मैंने टिकट लाउंज से पैंट ली थी बट आई डोंट हैव द टॉप, तो मुझे वो लेना है, आई विश कि मिल जाए आगे नहीं तो, या तो फिर डायरेक्टली दिल्ली में ही ले लूँगा, बस उसके पहले बारिश ना स्टार्ट हो जाए कहीं पे। टाइम हो रहा है 8:30 एग्जैक्ट। गुजरात में वैगनर बहुत फेमस है शायद से, तो शायद से मैं गलत आ गया थोड़ा, मेरा ध्यान ही नहीं था मैप पे। ओके लेट मी सी, 400 किलोमीटर से यू टर्न लेना है और आई हैव टू टेक, आगे आ गया हूँ मैं थोड़ा सा, कोई ना ज़्यादा नहीं हूँ, थोड़ा सा ही आ गया हूँ, देखते कितना है। मेरा ध्यान ही नहीं था, मैं क्लाउड्स को देख रहा था और मैंने सोचा कि थोड़ा सा बात कर लेता हूँ, बट कैन सी नाउ लोग आगे आ चुके हैं ना, यहाँ से मुझे लेना है यू टर्न। ओके सो मैं थोड़ा सा नहीं कुछ ज़्यादा ही आगे चला गया था, इट्स अराउंड 4 किलोमीटर्स आई गेस, तो इतना तो चलता है। एक बार गोवा गया था मैं और फ्रेंड्स थे मेरे, हमारे कराटे के अमित सर, तो उनके साथ गया था और हम रिटर्न हो रहे थे, सो वी वांटेड टू कम वाया आई गेस कर्नाटक और समवेयर, तो हम लोग 70-80 किलोमीटर एक्स्ट्रा चले गए थे। रुक के एक बार देख लेता हूँ इनका लाइव लोकेशन, इट्स बेटर टू चेक।
टेलिंग मी टू टेक यू टर्न अगेन। एटलस है ना, मी लोकेशन टाकतो आहे बघ, मला सांग। NH 48 से जाना है, तो मैं सही पे था, मतलब मैं तो मुझे पूछना नहीं चाहिए था। NH 40 something something। ओके सो फाइनली भाई लाइव लोकेशन भेजा था रमेश ने। एक्चुअली यहाँ पे सब लोग गलत चले गए, रमेश भी थोड़ा सा गलत हो गया था, बट वो थोड़ा सा आगे आके रुका, वो टर्न में रुकना चाहिए था उसने, तो वो टर्न पे नहीं रुका रमेश। और इन लोग बहुत आगे चले गए थे, अराउंड 20 किलोमीटर्स देयर अहेड, बट उन लोग कहीं और ही चले गए हैं अभी फ़िलहाल। तो हमको 8 किलोमीटर जाना है और उनको 12 किलोमीटर्स रिटर्न आना है एक्चुअली। सो फिलहाल यही है कि सबको रिटर्न बुलाया है और हम लोग भी वही सेम रोड जा रहे हैं, अभी देखते हैं। NH 48 हमने लिया है, तो इसमें क्या चाहिए वो बताओ, क्योंकि व्लॉगिंग मैंने तो स्टार्ट तो की है, बट क्या दिखाना चाहिए और क्या बात करनी चाहिए वो सीखते रहता हूँ। तो फिलहाल जस्ट लर्निंग मोड पे ही हूँ मैं। और ये अपना बीस्ट, और मैं बीस्ट के बारे में आपको बताना भूल ही गया, बीस्ट कल से माइलेज बहुत अच्छा दे रहा है। अरे आई डू रिमेम्बर लास्ट टाइम हम लोग यहाँ से गए थे ऐसे, नहीं आए थे, सॉरी भाई, ये कौन सा ब्रिज है बताना यार कमेंट में। वी आर जस्ट क्रॉसिंग गुजरात टोल गेट। वेल देखते हैं अभी क्या है, कौन सा है, अहमदाबाद वडोदरा। ओके अहमदाबाद वडोदरा सुपर हाईवे भाई साहब, सुपर हाईवे। आई थिंक यहाँ पे पैसे लगेंगे भाई, हम लोग कैश तो कैरी कर रहे नहीं हैं, आई होप ऑनलाइन हो जाए। लेकिन टू व्हीलर्स को नहीं लगता है ना, टू व्हीलर्स को नहीं लगता है, वो तो यमुना एक्सप्रेस पे लगता है। कड़े में को कड़े हवा आ रहा है कड़े में को, ये आनंद राजकोट के लिए लेफ्ट, वासद के लिए लेफ्ट। सो हम लोग वहाँ नहीं जाएंगे, हम लोग राइट जाएंगे जहाँ से मैप बता रहा है। है तू ही नाते खाहिशे हो। ओके सॉरी फॉर द बैड वॉइस। ओ भाई थोड़ा सा ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। ते इथून इकडून येणार का ते? हां इथून पुढे गेलेत ना ते? ओके ओ माय गॉड एक दिन प्यार तो दूसरे दिन वाह, तीसरे दिन क्या दो। Hi Sagar bro. What's up? Facebook. Oh. Instagram. Trending. Hi Sagar bhai. चल ना लेवल झालं थांबलोय। ओके तो अभी जस्ट बाइक क्लीन कर रहा हूँ मैं, अच्छा नहीं लग रहा है बाइक को ऐसे देख के। एक सजेशन, इसको फेविक डालना है ना तू, अपन का स्टिकर लगा दो। नहीं नहीं क्या करो, इसको पहले फेविक लगा ना। हाँ लेकिन ऐसे मत लगा, उस पर 4 मिनट खोलने का, अंदर से बाहर से नहीं लगाने का।
ठीक है, सोडा, सोडा रहता है ना खाने का सोडा, हाँ अच्छा, फेविक्विक डालने का, उसके ऊपर सोडा डालने का, वापस फेविक्विक डालने का थोड़ा, फिर वापस सोडा डालने का, बस लगा देने का, और फिर स्टिकर उसके ऊपर लगा, स्टिकर बैठेगा क्या? नहीं बैठेगा, नहीं बैठेगा। जस्ट अभी निकले वहाँ से, हम एक जगह रुके, इतना पसीना आ रहा है, और ऊपर से ऊपर पूरा यू नो स्टील का पतरा था, तो यू नो इट्स लाइक पूरा गर्म हो रहा है वहाँ पे, तो मैंने बोला एक जगह रुकने से अच्छा है हम लोग धीरे धीरे आगे जाते हैं, तुम लोग कवर कर लेना। सो हम जस्ट 40-45 की स्पीड से ही चल रहे, धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। क्या है ना, थोड़ा सा हवा लगते रहेगा, थोड़ा अच्छा लगेगा ना, तो बॉडी डिहाइड्रेट हो जाएगी, और ऑलरेडी हम यहाँ पे यहाँ का पानी का जो सीन है, बिस्लेरी का भी पानी अच्छा नहीं है, एकदम अलग पानी है, बहुत अलग लग रहा है। सो एक्चुअली देख रहे हैं अभी ये क्रॉस करने के बाद ही हम लोग बॉटल्स लेंगे पानी के, और पानी थोड़ा भी नहीं है। भाई देखा ही नहीं वो, वैसे मौसम तो धूप आ रही है और फिर से क्लाउडी भी है, ओवरऑल ठीक है। एक जगह रुकने के बाद बहुत पसीना आ रहा है, इट्स बेटर कि हम कंटिन्यू चलते रहे, और कैसे है ना, टाइम भी पास होते रहेगा, हम लोग डिस्टेंस भी थोड़ा थोड़ा रिकवर करते रहेंगे। एक जगह रुकेंगे तो एक जगह रुकने से क्या होता है ना, आप पहुंच नहीं पाओगे आगे जहां तक जाना है। अभी वैसे भी ये रोड थोड़ा नैरो है, हाईवे नहीं है, सो थोड़ा सा धीरे ही चलना है। ब्रेकफास्ट मिलेगा ना, ब्रेकफास्ट मिलेगा, फिर क्या मिलेगा, बस उतना ही है। भाई ब्रेकफास्ट नहीं रखे इन लोगों ने। गोड्रा हम लोग को जाना है, गोड्रा से 58 किलोमीटर से, अभी भी ब्रेकफास्ट के लिए जगह देख रहे हैं हम लोग, बट यू नो मिल ही नहीं रही है, तो हम अभी फिलहाल आगे जाएंगे और फाइंड करेंगे अच्छा सा एक ढाबा या रेस्टोरेंट जहाँ पे हम लोग थोड़ा सा ब्रेकफास्ट कर सकते हैं, क्योंकि अगर खाना भी खा लिया, वैसे भी 11 कितना बजे है अभी, 10:30, अगर हम लोगों ने ज़्यादा खा लिया, लाइक हम लोग खाना प्रॉपर खा लिए, तो उसके बाद राइड करने के लिए नींद आ जाती है, इसलिए सोच रहे कि हम थोड़ा सा ब्रेकफास्ट कर लें, और फिर ब्रेकफास्ट करके हमारी राइड जो है ना वो कंटिन्यू करें। तो फिलहाल हमारा मिशन है फाइंड समथिंग वेयर वी कैन गेट फूड। एक जगह मिला है, पता नहीं पढ़े देने तो नहीं आ रहा है, इंग्लिश में तो लिखा होता कम से कम यार, हाँ होटल दर्श पैलेस इट्स समथिंग लाइक दैट। सो देखते हो वहाँ पे क्या है, मैं भी इसको भेजता हूँ। ब्रो लिसन, यू गो एंड चेक, आर दे गिविंग साउथ इंडियन ब्रेकफास्ट समथिंग, ओके? ब्रेकफास्ट, या ब्रेकफास्ट, आस्क देम फॉर द ब्रेकफास्ट। व्हाई यू आर नॉट वेयरिंग शूज? शॉपिंग इन पुणे। Okay, you'll shop in Pune? I will shop in Delhi. Okay, so hello everyone once again. We just stopped for breakfast. It's already 10:57. So, there's a hotel here. I don't know the name. So, just Royal Palace. Hey, Royal Palace. Okay, so, just अभी order दे दिया है. मेरा लगेज थोड़ा निकल गया था, तो मैं उसको बस प्रॉपर सेट किया, तो अभी जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए, फिर ब्रेकफास्ट के बाद हम लोग निकलेंगे फिर से अपनी नेक्स्ट जर्नी के लिए, तब मिलते हैं ब्रेकफास्ट में। सो हेलो एवरीवन वंस अगेन, आई जस्ट चेंज्ड माय कैमरा एंगल, सो जस्ट
फिनिश्ड विद आर ब्रेकफास्ट, और ब्रेकफास्ट हम लोग लंच के टाइम पे कर रहे हैं क्योंकि वी आर ऑलरेडी लेट. सो अभी बजे हैं एग्जैक्ट 12. गर्मी बहुत है, पानी भी, पानी यहाँ का इतना टेस्टी नहीं है, अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन क्या करें, पीना पड़ेगा. आफ्टर वन आवर राइड जस्ट पानी पीने के लिए रुक गया था. अरे बाकी के बच्चे लोग कम से कम 90 किलोमीटर्स कवर, मतलब इतने दूर है अभी फिलहाल. हम आए महाराष्ट्र पुणे से. अभी कहाँ जाओगे? हम लोग अभी जा रहे हैं लद्दाख. ले लद्दाख? ले लद्दाख बाइक लेके? हाँ जी. तो अभी गर्मी वर्मी नहीं लगता है? लगता तो है लेकिन चलते रहता है. फिर वहाँ घूमोगे? हाँ. कहाँ जाना है? लद्दाख. ले लद्दाख. तो यहाँ किधर होके जाओगे? अभी तो हम यहाँ से सीधा दिल्ली निकल रहे हैं. दिल्ली? कब पहुँचे? हम अभी तो टाइम है उसके लिए. और बहुत रात को भी चला जाए? नहीं, रात को हम लोग रुक जाते हैं वैसे 8-10 बजे के पहले. नहीं नहीं, रात में नहीं चलाते हम. बाइक 6-7. बाइक किस बाइक? ये पानी की पानी. हाँ, चालू बाइक में पीने के लिए. अच्छा, बहुत आप लोग बहुत तेज बाइक चलाते हैं. नहीं, तेज नहीं चलाते. यूट्यूब पे डालो SGP. चलेगा. हाँ, थैंक यू. हमारी रोड से पानी आने वाले लोग हैं बहुत सारे, जो पूछते रहते हैं कि आप कहाँ जा रहे हो, क्या करते हो, ये वो. कैमरा पूरा शूट कर रहे हैं. पूरा ये चैनल है मेरा, यूट्यूब पे चैनल है. SGP करते हैं. SGP. अगर लद्दाख जाओगे आप तो कितने का पेट्रोल हो जाएगा? 1 एक छोटा सा वाटर ब्रेक ले लिया था. हमारे 4 राइडर्स तो हमारा भी हमारे साथ है. उसमें से 2 राइडर्स जो आगे गए, एक तो बंदा आगे रोड पे ही है, बट जो उसमें से और NS वाला एक बंदा था हमारे साथ, जो कि पल्सर NS चला रहा है, वो हमसे 90 किलोमीटर जो मैंने बताया थोड़ी देर पहले, 89 किलोमीटर जो बंदा गया है ना, वो दूसरे डायरेक्शन में गया. ये बताया गया है कि तुमको कहाँ जाना है, फिर भी वो बिना मैप के पता नहीं क्या किया उसने, मैप लगाया नहीं लगाया, बट वो 89 किलोमीटर्स कहीं और चला गया है. सो अभी उसको कॉल किया, सो उसको पूछा जो, हाँ ब्रेकफास्ट के टाइम पे वो बंदा नहीं था, अभी जैसे हमने ब्रेकफास्ट किया था. सो उसको बताया कि कहाँ आना है. अभी हम यहाँ से फिलहाल डायरेक्ट उदयपुर निकल रहे हैं.
मिल्कशेक पी रहा हूँ अभी विद अमेरिकन ड्राई फ्रूट आइसक्रीम। अभी यहाँ पे खाने के लिए कुछ है नहीं, तो अभी जस्ट शुगर केन भी जूस पिया, तो अभी वेट कर रहे हो। गर्मी बहुत है राइट नाउ, उदयपुर हाईवे पे है। बाकी सब लोग आगे चले गए, मैं थोड़ा पीछे ही था। मेरा हैंड ग्लव्स पता नहीं गिर गया था नीचे, ग्लव्स मेरे। ओ फ्यूलिंग करना है, उसको नींद आई है अभी तेरा क्या हुआ, नींद आ रहा? हाँ जो हमारा माइंड ऐसा मालूम, हाँ अभी आप लोग ग्रुप लीड कर रहे हो तो आप लोग हमारे को बोलेगा 500 किलोमीटर से, इवन 100 किलोमीटर आप दो, आप जो बोले तो वो कर लेना है। 500 बोले तो 500, 1000 बोले तो 1000, वादा का हमारे नंबर पर। नो एक्चुअली है ना, यू आर राइट यू नो, कल से हम लोग वही करेंगे। विल टेल यू दैट कितना डिस्टेंस जाना है, कैसे कहाँ पे जाना है। ओके एक सुबह मॉर्निंग में एक मीटिंग होगा, ठीक है। सो विल टेल यू कि आज यहाँ से यहाँ पे जाना है, चाहे तुम अभी निकलो या तो सब ग्रुप के साथ निकलो, ठीक है। सो कल से प्रॉपर वही होगा, ठीक है। और अगर टाइम के पहले अगर पहुँच रहे हैं सो विल स्ट्रेच मोर 100 किलोमीटर्स इफ़ पॉसिबल। ओके आई अंडरस्टैंड कि आज थोड़ा सा ये हुआ है, सो विल सी, देखते क्या होता है। मैं वही बोल रहा हूँ, मैं भी ठीक से सोया नहीं हूँ। कल सुबह हम लोग 4 बजे उठे, यू ड्रिंक लॉट्स ऑफ वाटर, ड्रिंक लॉट्स ऑफ वाटर। अगर 500 का किधर भी रुकने का नहीं है, 500 का कंटिन्यू रेट कर दूँ मैं किधर भी। रुक फ्यूल डालता हूँ। नहीं कल से हम लोग वही करेंगे। पानी दे रहा हूँ छोटी बच्ची को, बताया मैंने पानी देने के लिए। नहीं अभी ये चार्जिंग पे लगाया ना 10, सो अगर वो निकालना, हेलमेट निकालो, रखो, उतरो, अभी इतने लगेज के साथ मुश्किल होता है। थैंक यू, अच्छा है ना। ओके नाइस रोड यार, एक छोटा जर्क भी नहीं है बताएं रोड में, वाओ। Go bhai, what a cow man, go, go. Oh bhai sahab, yahan pe dekho truck palti hua hai. Shit. Aise curves hai na. Raat ko hi hua hai lag raha hai wo. Aise turns hai to obviously, aur व्हीकल्स थोड़े फास्ट रहेंगे तो ये चीज़ होती ही है। मॉर्निंग से अभी तक की राइड ठीक ठाक थी, लेकिन जस्ट लास्ट 1 आवर से जो हम लोग उदयपुर रोड पे जा रहे हैं वो रोड सीरियसली बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। और हमारे राइडर्स देर आल्सो लाइक, उनको बताया था कि हमको इतना किलोमीटर्स क्रॉस करना है, फिर भी उसमें से 2 राइडर्स कहीं और चले गए थे तो उनके लिए वेट करना पड़ा, इसलिए हम लोगों को अपनी राइड स्लो करनी पड़ी और ऊपर से हम लोग को वेट भी करना पड़ा। जहां उनको हमारे साथ लेके जाना है तो ऑब्वियसली ग्रुप राइड है। अभी तक बहुत सेक्सी चल रही है भाई, नज़र ना लगे, टच उठ कर लो भाई। तो अभी मैं कहाँ पे हूँ मुझे पता नहीं है, और मैं एक भी साइन बोर्ड नहीं देख पा रहा हूँ यहाँ पे, मतलब है ही नहीं, अगर होता तो मैं बता देता। बस उदयपुर हाईवे इतना है ये पता है, मैप में भी वही डाला हुआ है। 1 किलोमीटर टोल गेट, कौन सा टोल गेट आएगा अभी, यहाँ पे बोर्ड दिख रहा है। दिल्ली 758, जयपुर 498 एंड उदयपुर इज 790। आई गेस आज थोड़ा सा रेस्ट करके हम लोग, रेस्ट भी नहीं करना एक्चुअली आज पूरा जहाँ तक स्ट्रेच कर सकते वहाँ तक स्ट्रेच करेंगे। इन लोग कैसे चढ़ के जा रहे हैं भाई, ओ भाई
ऐसे कौन जाता है भाई, ये गाड़ी ऐसी उठी हुई है। ओके, तो मैंने ये डिसाइड किया कि मैं भी NH चलाऊंगा थोड़ी देर के लिए, थोड़ा चेंज हो जाए भाई, तो इसको शौक दे दे थोड़ा सा। तो ये क्या चलाएगा, मैं वो चलाता हूँ, ठीक है। हाइट पक्का, क्या है, चल ऐसे ही ये चला रहा हूँ। ओ भाई क्या लग रही है भाई अपनी बाइक, ओ भाई कैसे बैठा था ये, भाई वो बाइक चलाने के बाद बहुत छोटी लग रही है बाइक, भाई कैट से बैठ सकता सीरियसली। ओ भाई मैं फिट ही नहीं हो रहा हूँ इसमें यार, इसमें मिरर भी नहीं है, साइड मिरर। भाई ये बंदे को तकलीफ नहीं हो रही थी क्या इसमें बैठ के, हाँ शिट। ओ भाई आराम से ओवरऑल लुक देखने मिल रहा है भाई, मैं ऐसे किसी को देता नहीं हूँ जल्दी, बट ये बंदा जेन्युइन लगा थोड़ा सा, तो अच्छा लग रहा है मुझे इसको बाइक देखे। भाई ओवरऑल देखा जाए तो बाइक क्या लग रही है यार, इसीलिए लोगों के रिएक्शंस आते हैं गाइस। अगर मैं इसको पैनियर्स डाल दूंगा और टॉप बॉक्स डाल दूंगा ना, ये तो और सेक्सी लगेगी यार अपनी बीस्ट। ओके यू वांट टू डू दिस, ये इट्स टू फास्ट। भाई तू कहाँ जा रहा है, मैं छोड़ूंगा बाइक धीरे हो जाएगी। लेकिन ये हाईवे से बहुत खुश हूँ मैं, लेकिन एक बात है, इस पर 100 समझ में भी नहीं आ रहा है, मेरी बाइक पे इतना हवा लगता है 100 पे, भाई 110 113, क्या बात। हे गाइस व्हाट्स अप। ओके सभी भाई को रिएक्शन पूछते हैं, हाउ इज इट, रॉकेट, हाउ इज दिस, यू लाइक इट, अच्छा लगा। सो ओवरऑल परफॉर्मेंस तो देख लिया होगा, मुझे तो बहुत पसंद है।